हॉलीवुड फिल्मों के सुपर हीरोज की स्टार वॉर के अंदाज में अगर आपको हमारी सेना के जाबाज भी लड़ते हुए नजर आए और लेजर लाइट स्टाइल में वो दुश्मन के छक्के छुड़ा रहे हो तो कैसा हो। ये बात एक सपने के जैसी जरूर है, लेकिन जल्द हकीकत में बदलने वाली है। भारत एक बेहद ही हाईटेक टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है, जिसमें कामयाब होने के बाद आपको हमारे दुश्मन कांपते हुए नजर आएंगे। भविष्य के इस युद्ध की तैयारी कर रहा है DRDO। जी हां, DRDO एक स्पेशल सीक्रेट प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। इस प्रोजेक्ट के तहत डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स बनाने की तैयारी चल रही है। इन हथियारों की सबसे बड़ी खूबी ये होती है कि ये बिना सामने आए ही दुश्मन को तबाह कर सकते हैं। दुनिया भर में ऐसे हथियारों की मांग बढ़ रही है। DRDO के इस स्पेशल सीक्रेट प्रोजेक्ट के तहत एक नेशनल प्लान बनाया जा रहा है, जिसमें शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग टर्म्स के लिए लक्ष्य तय किए जाएंगे। DRDO घरेलू इंडस्ट्री के साथ मिलकर 100 किलोवाट क्षमता के DEWs डेवलप करेगा। DRDO पहले से भी कुछ DEW प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है, जिसमें केमिकल ऑक्सीजन आयोडीन से लेकर हाई पावर फाइबर लेजर तक शामिल है। DRDO एक पार्टिकल बीम वेपन काली पर भी काम कर रहा है। सामान्य हथियारों में काइनेटिक केमिकल एनर्जी का इस्तेमाल होता है, इनमें मिसाइलों व अन्य लॉन्चर की मदद से टारगेट को उड़ाया जाता है, जबकि डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स में टारगेट पर इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक एनर्जी या सब एटॉमिक पार्टिकल्स की बरसात की जाती है। इनमें दो मेजर सब सिस्टम होते हैं, लेजर सोर्स और पार्टिकल बीम कंट्रोल सिस्टम। पावर की बात करें तो एक मिसाइल को उड़ाने के लिए किसी लेजर वेपन को 500 किलोवाट की बीम की जरूरत पड़ेगी। इन हथियारों के और भी ढेरों फायदे हैं, मसलन ये लाइट की स्पीड से चलेंगे, इनका निशाना अचूक होगा, इन पर प्रति शॉट खर्च कहीं कम आएगा। मिसाइलों के मुकाबले ये काफी फ्लेक्सिबल होंगे। ये रैपिड री टारगेटिंग के साथ साथ कई टारगेट्स को एक साथ निशाना बना सकेंगे। इन्हें तब तक चलाया जा सकता है जब तक पावर सप्लाई जारी रहती है, यानी अनलिमिटेड है ये। फेज वन में भारत जिन हथियारों को डेवलप करेगा उनकी रेंज 6 से 8 किलोमीटर होगी। दूसरे फेज में लेजर सिस्टम तैयार किए जाएंगे जिनकी रेंज 20 किलोमीटर से ज्यादा होगी। अमेरिका, रूस, चीन, जर्मनी और इजराइल जैसे देश पावरफुल DEWs पर काम कर रहे हैं। भारत शुरुआत से ही इस टेक्नोलॉजी पर किसी दूसरे देश पर निर्भर नहीं रहना चाहता है और भारत के वैज्ञानिक तैयार हैं नए भारत की इस नई उड़ान के लिए।